हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिडनोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ सिद्धार्थ, आगे हूँ अगले वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में मैं MIUI 3 यूजर्स के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ। जो MIUI 3 यूजर्स मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़्यादा बोल रहे थे कि MIUI 12 के ऊपर वीडियो लो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि MIUI 12 कैसे अभी आप लोग MIUI 3 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी जो एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट कर लिया है जिन्होंने, उनके लिए ये सिर्फ है। ओके, बाकी जो जो लोग एंड्रॉयड 10 को कर लिया है उसका वीडियो आई बटन पे है, वो लोग वो आई बटन का वीडियो जरूर देखना। ओके, बट जो जो अभी एंड्रॉयड 11 में आ चुका है बट अभी MIUI 12 को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, सो कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को लगेगा एक ड्राइवर्स जो है क्वालकॉम ड्राइवर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है MIUI फ्लैश टूल और जो मिनिमल ADB जो फास्ट बूट का जो फाइल होता है, मतलब कि प्लेटफॉर्म टूल्स जो होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फाइल्स है। तो सबका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग जाके फटाफट से डाउनलोड कर लेना। ओके, आफ्टर दैट अभी ज्यादा नहीं वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की कारवा। So, सबसे पहले गाइज अभी आप लोग देख सकते हो ये है मेरे हाथ में फोन। सो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद अभी हम लोग टैप करेंगे अबाउट फोन के अंदर, उसके बाद क्लिक करेंगे बिल्ड नंबर के ऊपर, देन आपका जो पासवर्ड है वो दे देना। उसके बाद फटाक से आप लोगों को जाना होगा डेवलपर ऑप्शन में, बट प्लीज गाइज आप लोग बूटलोडर को अनलॉक कर लेना। उसके बाद अभी आप लोगों को देख सकते हो USB डिबगिंग को मैंने ऑन कर लिया है। सो अभी यहाँ पर जो USB डिबगिंग इनेबल्ड हो चुका है एंड यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिस्टम चार्जिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, फाइल डिवाइसेस। अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में गया, उसके बाद दिस PC के अंदर जाना होगा, आप लोगों को देख सकते हो। तो चलो दिस PC के अंदर हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद अभी आप लोगों को जाना होगा सी ड्राइव के अंदर। आपका जो प्लेटफॉर्म टूल्स है, प्लेटफॉर्म टूल्स तो ऑलवेज सी ड्राइव में रहता है, तो सी ड्राइव के अंदर आने के बाद आप लोग देख ही सकते हो इसके अंदर एक ऑप्शन है CMD नाम के, टाइप कर लेना। ओके, तो CMD ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ADB डिवाइसेस। सो आप लोग प्लीज कनेक्ट कर लेना एंड एक पॉपअप आएगा, देखो राइट साइड में एक स्क्रीन आएगा, इसको अलाउ करके टिक करके ओके कर देना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कर देने के बाद उसके बाद आप लोग कट कर लेना। कट करने के बाद अभी जोर से एक काम करना, अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो MIUI 3 फाइल्स है इसके अंदर आप लोगों को जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर जो 3 फाइल्स है, फर्स्ट जो क्वालकॉम का ड्राइवर है, क्वालकॉम का ड्राइवर जल्दी से जल्दी आप लोग इंस्टॉल कर लेना प्लीज़। ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका जो ड्राइवर है वो नहीं चलेगा। एंड ये जो दोनों फाइल्स आप लोग देख सकते हो, Xiaomi EU मल्टी CC9E एंड ये जो Xiaomi का फ्लैश टूल है, इसको भी आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद आप लोग जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो एक पॉपअप आया मेरे फोन में, इसको ओके कर लेना है। सो जो भी हो एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अभी चल रहा है। सो फटाफट से ये जो एक्सट्रैक्टेड है ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में अभी आप लोग देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो गया MIUI फ्लैश टूल एंड मैं एक्सट्रैक्ट अभी करूंगा Xiaomi EU का जो CC9E वाला रोम। ठीक है, यहाँ पर यहाँ जो विन आर्काइवर है इसके ऊपर क्लिक करना है, जो 3 वाला ऑप्शन है। सो इसको अभी मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ओके, एक्सट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, मैं गलती से डिस्ट्रैक्ट बोल दिया, सॉरी। सो जो भी हो, सो अभी इसको फटाफट से मैं हो जाने देता हूँ। तो चलो ये हो गया बहुत जल्दी से। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एक और फोल्डर है, ये जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर मेन 4.5 GB के आसपास बहुत सारे फाइल्स है, यही है वो ही MIUI वाला रोम। ठीक है, सो अभी क्या करोगे, देखो जो MIUI फ्लैश टूल है, ठीक है, एंड ये जो फाइल है इस दोनों को एक साथ कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये जो आप लोग देख सकते हो राइट क्लिक किया एंड मैंने कॉपी ऑलरेडी करके पेस्ट कर दिया हो, बट आप लोगों के लिए मैं फिर से दिखाऊंगा। देखो मैं इसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया, देन अभी यहाँ पर जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में मैंने गया एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। देखो आप लोग देख सकते हो Xiaomi EU मल्टी CC9E वर्जन 12 लिखा हुआ है। ओके, सो मैं इसको ही पेस्ट कर दिया। उसके बाद अभी आप लोग जाना होगा Xiaomi MIUI फ्लैश टूल। ठीक है, ये भी सी ड्राइव के अंदर ही है एंड ये जो सॉफ्टवेयर है Xiaomi MIUI फ्लैश, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अभी आप लोग क्या करोगे, देखो अभी यहाँ पर जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, सिलेक्ट वाला ऑप्शन के अंदर आप लोग को जाना होगा एंड यहाँ पर जो दिस PC वाला ऑप्शन है, दिस PC के अंदर जाना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर जो एक बार थोड़ा सा क्लिक कर लो अच्छे से, हाँ। सो अभी यहाँ पर नीचे वाला एक ऑप्शन है लोकल डिस्क C, इसके अंदर जाने के बाद आप लोग जो रोम को पेस्ट किया हो, ये आप लोग देख सकते हो Xiaomi मल्टी CC9E, इसको क्लिक करके ओके कर लेना है। ओके, तो ध्यान से करना, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, देखो अभी नीचे की तरफ आऊंगा, क्लीन ऑल करूंगा एंड जो फ्लैश ऑल डॉट बैट इसको कर लूंगा। ओके,
अभी हमारे फोन के अंदर एक बार आएंगे एंड अभी हमारा जो फोन है वो जाएगा EDL मोड में। कैसे जाएगा देखो, मैं अपने फोन को ऑन किया, स्विच ऑफ किया, एक बार थोड़ा सा मैं अपना जो USB उसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी वॉल्यूम अप, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को एक साथ, तीनों को एक साथ प्रेस करने। देखो कैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ एक साथ तीनों बटन्स को, 3, 2, 1। सो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो मेरा फोन EDL में चला गया है। अभी मैं USB को कनेक्ट कर रहा हूँ, देख लिया कनेक्ट हो गया, डिवाइस डिटेक्ट किया। सो अभी आप लोग देख सकते हो, मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो कॉम नाम का, कॉम 6 नाम का एक कुछ आएगा डिवाइस नाम से, देखो आ जाएगा। सो अभी फटाक से इसको आ जाने दो, हाँ आ गया, आप लोग देख सकते हो कॉम 6। तो मेरा अभी जो EDL मोड है वो अच्छे से कनेक्टेड है। एक बार हम लोग चेक करेंगे डिवाइस मैनेजर के अंदर। सो एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हो, डिवाइस मैनेजर के अंदर जाना एंड चेक कर लेना क्वालकॉम डिवाइस का जो USB ड्राइवर है वो शो हो रहा है या नहीं। अगर शो नहीं हो रहा तो छोड़ दो, पहले अच्छे से USB ड्राइवर्स को इंस्टॉल करो, ओके, क्योंकि हो सकता है एक भी प्रॉब्लम हो तो ब्रिक भी हो सकता है। सो अभी आप लोग देख सकते हो पोर्ट नाम का एक ऑप्शन है। सो आप लोग देख सकते हो क्वालकॉम HS USB QD लोडर, ठीक है, ये है मेन ड्राइवर, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है बहुत अच्छे से। एंड इसको अभी हम लोग कट करेंगे एंड देन अभी हम लोग फ्लैश करेंगे फटाक से। सो चलो फ्लैशिंग शुरू करते, 3, 2, 1। सो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो सक्सेस हो गया है। अभी हमारा जो फोन है उसको डिस्कनेक्ट करूंगा, उसके बाद आपका जो फोन का जो वॉल्यूम अप और जो पावर बटन है इसको अच्छे से प्रेस करके रख देना है। जैसे मैं अभी अच्छे से इसको प्रेस कर रहा हूँ गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। सो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो मैं इसको अच्छे से क्लिक करके पूरा होल्ड करके रखा हूँ, ठीक है, आप भी प्लीज होल्ड करना, लूज मत करना, नहीं तो ये EDL मोड से नॉर्मल मोड में नहीं आएगा। सो देखना MI का लोगो आएगा। सो Xiaomi का लोगो आ गया है, पूरा Android 1 का लोगो चला गया है, आपका जो MI A3 है वो MI CC9E पूरा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो अभी आप लोग देख सकते हो TWRP में मेरा जो फोन है वो बूट कर गया है, ठीक है, TWRP ऐसे ही आएगा, ओके, सो नो टेंशन। सो स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन के ऊपर स्वाइप कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है वाइप में फॉर्मेट डेटा एंड इसको येस करके टिक कर देना है, ओके। सो इसको टिक करने के बाद सब काम खत्म, सब प्रोसीजर खत्म। अभी आप लोग देख सकते हो बिल्ड डिवाइस MI CC9E हो चुका है। सो अभी हम लोग करेंगे रिबूट डिवाइस। सो अभी हमारा जो डिवाइस है वो बूट हो जाएगा। सो मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ओके गाइस। सो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो मेरा जो फोन है वो बूट अप कर चुका है, MIUI 12 के अंदर आ चुका है। एंड गाइज, अगर किसी को माइक का प्रॉब्लम हो रही हो इसको इंस्टॉल करने के बाद, तो एक zip फाइल है उसको प्लीज फ्लैश कर लेना, ओके। आई होप गाइज ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तब तक के लिए वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। गाइज देखो, अच्छे से ध्यान से करना, अगर ड्राइवर इंस्टॉलेशन ना हो तो प्लीज रिस्क लेके मत करो, क्योंकि आपका फोन भी ब्रिक हो सकता है। मैं एक बार ब्रिक हो गया था बट मैंने जैसे तैसे करके ठीक किया। तो अगर आपका एक ही डिवाइस है तो प्लीज थोड़ा सा रिस्क लेके, मतलब के अच्छे से नॉलेज हुआ उसके बाद करो, ओके। अगर नॉलेज नहीं है उसके बाद अगर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हर वक्त तो मैं आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकता ना, मैं खुद एक बंदा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे पता है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आते, ओके। बट इसी कारण मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, किसी किसी कंप्यूटर में ज्यादा जल्दी हो जाता है, किसी किसी कंप्यूटर में थोड़ा सा लेट हो जाता है।
सो प्लीज शांति बनाए हुए रखना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या बताना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।